अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज हम दिखा रहे हैं सऊदी अरब का रियाद सिटी का अंदर मलिक फहद के रोड के पे गाड़ी जो चल रही है कैसे चलती है, वो हम आज दिखलाएंगे आप लोग को और बतलाएंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं वीडियो। 1 2 3। ये मलिक फहद का रोड है, खिदमे वाले। देखिए, ये मलका टावर है जो सऊदी अरब का फेमस टावर है। देख रहे हैं ये वाली टावर, सबसे फेमस टावर है। जैसे अपने इंडिया में ताज होटल है, ओबरा है, दिल्ली में लाल गेटवे है, ऐसे ये सब सबका जगह का, ये सऊदी अरब का फेमस है। तो आप लोग देखिए, एंजॉय लीजिए। देख रहे हैं मलिक फहद के रोड है, ये खिदमे वाले हैं, वो मेन रोड हुआ है मलिक फहद का। तो ये खिदमे वाले रोड पे 90 की स्पीड दिया है, मतलब 80 का है, 90 तो लास्ट जा सकते हैं, और ऊपर वो वाले पे है 100 है, तो 105 जा सकते हैं। 100 लास्ट, 105 गए तो मुखालफा आ सकता है। जिसे रोड साइन का 100 लगाया है तो आप 100 चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये GMC के जो जा रही है, लग्जरी कार थी, मालूम नहीं, ध्यान नहीं दिया मैं। तो देख रहे हैं ये ऐसे ही, आप लोगों को भी आएंगे सऊदी अरब में तो ड्राइव भी आपको भी ऐसे ही करना है भाई, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम है, देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यही काम रहता है ड्राइवर लोग को, घबराने से कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। तो चलिए हम दिखला रहे हैं, ऐसे ही हैं। देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, कितनी स्पीड गाड़ी चल रही है, देख रहे हैं सब गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, क्या क्या है, कैसी स्पीड चल रही है, सब ऐसे आपको भी चलाना है, ऐसे ही चलता है गाड़ी। देखिए भैया, यही है मलिक फहद के रोड पे हम हैं, ऐसी गाड़ी चलनी है, ऐसे चलाना पड़ता है। देखो यही गाड़ी चलाना पड़ता है, मेरी गाड़ी चल रही है, अभी मैं पार्किंग में लगाया हूँ गाड़ी, अपडेट कर देंगे, ज़्यादा भी दिक्कत आती है। छोटी रोड हो बड़ी रोड लीजिए, इंजॉय करने। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, फटाफट कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए यहाँ आपको टेंशन नहीं, पैसा निकालने के लिए ATM मशीन रोड पे ही लगा रहता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। नए हैं, पुराने हैं, सब सीख जाएंगे, नए से पुराने होते हैं, तो नए भाई आएंगे तभी तो पुराने होंगे। देखिए इतना मस्त जगह है, स्टेशन सही है, बैंक के सामने अयोध्या में, कोई घबराने में कोई दिक्कत है नहीं, आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, घंटा पे ऑल पे दबाए कर लीजिए, जब भी हम वीडियो अपडेट करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सऊदी की न्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटा दबाइए, और फटाफट सऊदी का न्यूज़ लीजिए। ड्राइवर का पूरे ड्राइविंग क्या होता है लीजिए, ये कितना अच्छा है, ये पोजिशन में वो वाला हरा है, कितना मस्त लगा देखिए। तो यही सब आपको मिलेगा, सोचा आज के वीडियो में कुछ यही टॉपिक बता दें, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए नज़ारा देखिए, मौसम भी मस्त है, बादल भी मस्त लग रहा है, मौसम ठंडा इतना है, मैं मौसम का बता रहा है कुछ है। तो और लेके चलेंगे, चलिए और। तो देखिए भैया यही काम है ड्राइवर लोग को यही काम है, ऐसे ही गाड़ी चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। नए हो, आना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे यही काम है ड्राइवर का, कहीं कहीं अच्छे अच्छे जगह पर घूमने को मिलता है, ड्राइविंग करना पड़ता है, मॉल में जाओ, अच्छे अच्छे मॉल, अच्छे जगह पे जाओ, देखो रोड पे कैसे गाड़ी चल रही है, घबराने की बात कोई नहीं है, गाड़ी ऐसी चलती है, चलाना रहता है, मैं डरते तो डरने की कोई बात नहीं। आप बाहर आइए और बस इतना मालूम होना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, बस ड्राइविंग हल्का मुल्का भी अगर मालूम है तो यहाँ ऑटोमेटिक सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक कार है। कितने भाई लोग घबरा जाते हैं, गाड़ी कैसे चलाएँ, क्या है, यही है। देखिए नज़ारा, हम ATM के पास खड़े हैं, ATM के पास देखिए कितने मस्त गार्डन सा है, छोटी सी गार्डन में बहुत मस्त गार्डन है,
बहुत मस्त गार्डन है, रोड भी देखिए मलिक पार्क के पास में ही है, किन्नो वाले रोड पर हम गाड़ी लगाए हैं, हमारी गाड़ी देखिए बैंक के सामने लगी हो, देखिए गाड़ी पीछे साइड में मेरी गाड़ी लगी है। तो यही हम बता रहे हैं कि आ रहे हैं भाई, तो आओ, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से आओ, काम धंधा करो मस्त। तो चलिए कुछ और फटाफट हम सऊदी के बारे में लेकर चलेंगे, कुछ बतलाएंगे आपको। ओके, तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि सऊदी में आना चाहते, तो आइए ड्राइविंग क्या है सब वीडियो बना रहा हूँ। आज हम आए थे, रोज़ इधर रोड पे आते, आज मैंने सोचा कि इस थोड़ा रोड के बारे में थोड़ा वीडियो बना दिया जाए, दिखला दिया जाए भाई लोगों को कि यहाँ पे हम गाड़ी लगाए थे, तो मैंने सोचो अपडेट कर दिए वीडियो को, भाई लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे फ्रेंड जितने भी नए हैं चाहे पुराने हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और घंटा आपको ऊपर दिख रहा है उसको बेल को दबा के ऑल पे कर लीजिए। जब भी हम सऊदी के नए जगह सो ड्राइविंग के या कुछ भी हम सऊदी के चीज़ अपडेट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो इस वीडियो में हम सऊदी के ही नज़ारा दिख लेते हैं, सऊदी के ही बतलाते हैं ड्राइविंग के ही, क्योंकि हम ड्राइविंग करते हैं तो हमको ड्राइविंग मालूम है, तो इसीलिए ड्राइविंग के बारे में बतलाते हैं, और कुछ इसमें नहीं हम बताते हैं, क्योंकि हमको रियल वीडियो बनाना है, रियल चीज़ करना है, क्योंकि भाई किसी को भला हो जाए बस मेरी ये सोच है। अगर मेरे वीडियो बनाने से कोई इंसान को अगर मेरे वीडियो बनाए हुए देख के आ रहे हैं, अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अल्लाह हमको बहुत उनसे अच्छे से जॉब हो, उनके अच्छी काम हो, तो मेरे को बहुत दिल में खुशी होती है। अल्लाह उनकी भी जायज़ तमन्ना पूरा करें, हमको भी सब भाई का, हमारे फ्रेंड जितने भी हैं, तो सबकी जायज़ तमन्ना पूरा करें। तो यही हमारी सोच है कि कुछ भी अपडेट करने से क्या है, अभी ड्राइवर के बारे में हम बतलाते हैं, कभी कल ये भी बनाते हैं कि कहीं घूमने गए कहीं, तो क्या है कि वो हमारे फ्रेंड दोस्त यार जो भी आने वाले हैं, जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, बाई मिस्टेक कभी आ गए देखेंगे तो बोले हाँ यार ये तो वीडियो में देखा था, ये वो सऊदी की ये जगह है वो है, तो इसीलिए मैं वीडियो अपडेट करता रहता हूँ, जो जहाँ जैसे जाता हूँ वैसे मैं शूट कर देता हूँ, वीडियो शूट करके आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल घंटी जो दिख रहा है उस पर ऑल घंटी दबा के ऑल पे कर लीजिए, जब भी हम सऊदी के न्यूज़ या सऊदी के बारे में कुछ खबर लेके आएँ तो आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और धांसू लेके सऊदी के बारे में धांसू लेके एंट्री करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, मस्सलाम, अस्सलाम ऑल फ्रेंड, बाय बाय।